जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, मछली पालन के रोजगार है एक लाभदायक रोजगार है और ये है आजकल प्रमुख व्यवसाय बनत जाते हैं। तेखरे सेती किसान भाई मन ह ज्यादा ले ज्यादा मछली पालन करके आज खुशहाली के जीवन जियत है। संगवारी हो, ऐसने आज हमन एक ऐसे सफल किसान के बारे में जानकारी लेबो जोन हम मछली पालन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करे है। जी हाँ संगवारी हो, हमन बात करत हन धमतरी जिला के अंतर्गत ग्राम कोलियारी के प्रगतिशील और सफल किसान भाई हीरा लाल साहू जी के। भाई हीरा लाल साहू जी जोन है गरीबी के जीवन जियतरी से, लेकिन वो मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन से समिति बना करके आज मछली पालन के रोजगार से जुड़े हैं और भरपूर उत्पादन करके आर्थिक स्थिति मिला काफ़ी प्रगतिशील बना है। अपन आर्थिक स्थिति ल सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बने हो, आत्मनिर्भर बन के खुशहाली के जीवन जियत है। तो किसान भाई हो, मछली पालन के क्षेत्र ला कैसे अपनाना चाहिए, काबर मछली पालन करके हमन ला आगे बढ़ना है, काबर हमन ये क्षेत्र से जुड़ के कैसे ढंग से हमन फायदा ले सकते हैं, कैसे हीरा लाल साहू भाई हम मछली पालन के क्षेत्र ला अपना के भरपूर आमदनी करे हैं और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आज आत्मनिर्भर बने हैं और देखन और जानन ओखर सफलता के कहानी। आमदनी का बढ़िया स्रोत, एक ऐसा माध्यम जो सदियों से हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में चला आ रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भारत के ही नहीं, शहरी क्षेत्र के किसान भाई बहन इस व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं और बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। वो काम है मछली पालन। सिर्फ मछुआरे ही नहीं बल्कि छोटे बड़े किसान और मछली पालक भी इससे जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब सरकार भी विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रही है और ऐसे ही मेहनतकश और लाभार्थी आत्मनिर्भर किसान हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कुरियारी भखारा के निवासी हीरा लाल साहू जी। बड़ी ही कठिनाई और संघर्षों से मछली पालन का काम विस्तृत करने वाले आत्मनिर्भर मत्स्य पालक किसान हीरा लाल जी मछली पालन का काम अपने पिताजी को देखकर सीख पाए। घर में पैसों की तंगी तो शुरू से ही थी और इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अपने पिताजी का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। मोर पिताजी है किसानी के साथ साथ तालाब के धंधा भी करत रही से गाँव गाँव ग्राम पंचायत मन में भखारा है सिहा आदि अगल आजू बाजू गाँव में तालाब वालाब लेवत रही से उकर साथ में हाँ जात रहे हों। जब स्कूल से छुट्टी हो जाए तो जब मछली जब नेटिंग होते समय जाऊँ और देखूँ कैसे करते का करते कैसे टाइप की मछली पालन करते। हर समय जब भी तालाब जाती तो मैं जाते हूँ उकर से मोला मिलीस कि मछली पालन ऐसे करे जाते, वही मोर प्रेरणा स्रोत रही से। मैं पढ़ी तो बीच में छोड़ दे, सिर्फ मछली के धंधा मोर दिमाग में बस गए कि मोल मछली के धंधा करना है, तालाब लेना है, तालाब मछली पालन करना है कर। शादी हुई से उकर बाद बड़े उकर बाद 2013 में पिताजी चले गए, उकर बाद से मैं 2006 में फिर समिति के गठन करें तो बाबूजी मोल प्रेरणा स्रोत दिस ऐसे करो। और एक अपन री से क्रूद जनपद में एक रजक वो बोलीस आप सोसाइटी के गठन कर लो, जो मोर मत्स्य पालन देखीस तो खुश हो के मत्स्य पालन ऐसे करबे समिति बना के तो अच्छा रही। ये दुनिया भर के सब ये होते सब नहीं हो पाए तो तालाब आराम से मिल जाए करके ग्राम पंचायत तो दे लगी ऐसे करके। तो मैं यहाँ तालाब के गठन करें तब से समिति बनाए अपन स्वभा स्वजाति भाई मन हैं मन मिल के उकर बाद फिर तालाब मछली पालन के ये शुरू करें। हीरा लाल जी अपने प्रेरणा स्रोत अपने पिताजी को ही मानते हैं जो पहले गांव के तालाबों में मछली पालन का कार्य किया करते थे। गांव के तालाबों को किराए पर लेकर मछली बीज मत्स्य उत्पादन का काम करने वाले हीरा लाल जी के पिता बड़े ही मेहनत से ये काम किया करते थे। स्कूल की छुट्टी खत्म होते ही हीरा लाल जी तालाबों की ओर रुख किया करते थे और देखा करते थे कि पिताजी कैसे मछली बीज मत्स्य प्रजाति का चुनाव करते हैं। एक समय आया जब कुछ कारण से हीरा जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर पिताजी का हाथ बटाना
शुरू किया और आज वे सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हीरालाल साहू जी विगत 25 से 30 साल से मछली पालन का कार्य करते चले आ रहे हैं। पहले उन्होंने अपने पिताजी के साथ ये कार्य सीखा, उसके बाद वर्तमान में प्रियदर्शनी मछुआ सहकारी समिति बना के वो आज ग्राम कोलियारी में मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। विगत 10 सालों से ये मत्स्य प्रजनक शासकीय मत्स्य बीज क्षेत्रों को उपलब्ध करवाते हैं, जो मत्स्य प्रजनक जो हैं उनसे मछली पालन विभाग मछली बीज का उत्पादन करता है और उसके बाद किसानों को वितरित करने का कार्य करता है। मंजिल तक पहुंचकर बहुत से लोग अक्सर रुक जाया करते हैं, लेकिन हीरा लाल जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके मछली पालन के व्यवसाय की चमक दूर दूर तक फैली हुई है। कई लोग उनसे सलाह लेने दूर दूर से आते हैं। वे लोगों को अपने अनुभव और ज्ञान की बातें तो साझा करते ही हैं, साथ ही वे राज्य और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराते हैं। मछली पालन से मोर जिंदगी बहुत परिवर्तन है। हालांकि देख रेख है जरूर, लेकिन इकर से जो किसान है तुर खेती में और इसमें बहुत कुछ है, इसमें का आत्मनिर्भर बने पर इसमें बहुत अच्छा है। मछली पालन देख रेख है और थोड़ा सी चौकीदारी एक सब करने लगते देख रेख ही ज़्यादा ये है। जैसे खेती का अपन खेती देखते वैसे टाइप की होल खेती देखे लगी तब आगे बढ़ सकते थे। ते बोलबे नहीं मछली डाल दे हो चूकर बाद बढ़त रहे, वैसा नहीं हो। इला अपन टाइप के खेत जैसे अपन खेत में धान छींचतन खातू डालतन और पानी देखतन वैसे इला देखे लगते तब ये जाके ये सक्सेस होते ये सब चीज। मछली उत्पादन में हीरा लाल जी जैसे किसान अपना योगदान दे रहे हैं। तभी तो एक आंकड़े के अनुसार मछली पालन के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का लाभ मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी, फिश फार्मर और मछली पालन से जुड़े लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है, उसके माध्यम से भी हमारे किसान भाई उसके मुख्य घटकों का लाभ ले सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, जिसमें जिन हमारे किसान भाइयों के पास स्वयं की जमीन है और पानी की उचित सुविधा उपलब्ध है तो अपनी ज़मीन में तालाब का निर्माण कर सकते हैं, उसमें तालाब निर्माण करके मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। संवर्धन पोखर निर्माण कर सकते हैं अपनी स्वयं की भूमि में, जिसमें वो बच्चे तैयार करके उसका वो लाभ ले सकते हैं। वैसे जिन हमारे किसान भाइयों के पास स्वयं भूमि नहीं है, जिनकी भूमि है या भूमि बहुत कम भूमि है, तो उसमें हमारे किसान भाई बायोफ्लॉक जो अभी नई पद्धति आई है, बायोफ्लॉक का निर्माण करके अपने छोटे से जो ज़मीन है उसमें बायोफ्लॉक के टैंक निर्माण करके मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। और अगर जो हमारे युवा हमारे जो साथी हैं जो जिनको थोड़ी जानकारी है अगर वो करना चाहते हैं तो आरएएस पद्धति के माध्यम से भी वो एक टैंक का निर्माण करके और उच्च तकनीकी से मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। हीरा लाल जी को भी मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला। मत्स्य बीज पालन और विभिन्न वैरायटी की जानकारी उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही मिली। हीरा लाल जी शासकीय हेचरी महासमुंद, दुधावा और देवमार साकरा से मछली बीज लाकर मछली प्रजनन के लिए ले जाया करते हैं। मछलियों की कई प्रजातियां जैसे रोहू, कतला, तिलापिया, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, 3-3.5 किलो की मछलियों को प्रजनन के लिए लाया जाता है और इस काम में हीरा लाल जी कुशल है। रोहा, कतला, मिर्कल, कामन कार, ग्रास कार्प इकर मछली पालन करता हूँ मैं हाँ, और इला प्रजनक बर शासन ल देता हूँ। जे महासंघ बोलते महासंघ ल देता हूँ, शासन बोलते शासन अपन शासकीय हेचरी वाले ओमन बोलते ओमन ल देता हूँ, और उकर से मोला का है बेनिफिट प्रोत्साहन राशि मिलते, बाजार से रेट भी देता हूँ तो उकर बाद प्रोत्साहन राशि मोला ज़्यादा पड़ जाते इकर से आत्मनिर्भर हो। तो मैं हमन हाँ जो अपन लगा है जो अपन बच्चा बच्चा लीज राशि काट के जो अपन शुद्ध फायदा है 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, मछली पालन ला कृषि के दर्जा मिले से मत्स्य पालक भाई मल्ला कई तरह से फायदा हुआ थे। ओमल्ला बिजली दर में घलोक छूट मिला थे, निशुल्क पानी मिला थे, और ओमल्ला ऐसे अनेक प्रकार के योजना के फायदा लेके आज किसान भाई मन ये क्षेत्र में आगे बढ़ा थे। तो संगवारी हो, आप मन भी अगर मछली के पालन क्षेत्र में जुड़ना चाहते हो तो शासन प्रशासन के का योजना है और कैसे ढंग लेकर फायदा उठावो, आओ एक जानकारी लेवन। हीरालाल साहू जी शासकीय योजनाओं से बेहद खुश हैं। समय समय पर उन्हें मछली पालन विभाग से सहायता भी मिलती रहती है। धीरे धीरे मेहनत करके उनके तालाबों में मछली उत्पादन की दर बढ़ने लगी। उत्पादन भी ठीक ठाक होने लगा था, लेकिन मुश्किलें तब भी उनका पीछा करती रही। जब भी वे मछली पकड़ने जाया करते तो पहली बार में अच्छी खासी मछलियां जाल में फंस जाया करती, लेकिन दूसरे हफ्ते या दूसरी बार जब भी वे मछलियां पकड़ने जाया करते तब वहां से मछलियां गायब हो जाती, यानी चोरी हो जाया करती थी। उस दौरान हीरालाल जी और उनके पिताजी अपने काम में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जब तक उन्हें और लोगों का साथ नहीं मिला। धीरे धीरे समय के साथ लोग उनसे जुड़ते गए। हीरालाल जी ने तालाबों में चौकीदार रखना शुरू किया और उनकी मेहनत सुरक्षित हाथों में रही। कल तक पिता पुत्र की जोड़ी संघर्षों का सामना करते हुए मछलियां पालने का काम किया करते थे। आज 50 से भी अधिक परिवारों का घर हीरालाल साहू जी से जुड़कर चल रहा है। लोग आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत में आवेदन करता हूँ तो 10 वर्षीय पट्टा भर देते, तो मैं अब पट्टा वट्टा के अनुमोदन शासकीय जो है मत्स्य विभाग उकर द्वारा पट्टा वट्टा बना के देते, उसके बाद मछली पालन शुरू करता हूँ। मैं लीज राशि निर्धारित करे जाते जो 3 वर्ष के बाद में 10% वृद्धि होते, वैसे है उकर बाद में फिर वक्त में वो लीज राशि जमा करो, मछली मारो और मछली पालन करके मैं 2013 से शासन ला प्रजनक जो बुडर कथन ओला दे के शुरू करे हूँ।
ओकर से मोला बाजार नहीं ले जाके मैं वही काम करता हूँ बाजार यानी कि शासन ला दे हमारे किसान भाई मतलब मछली बच्चा मिल ही एकर से ओती ओती भटके के नहीं मिले करके वही से मैं खुद लाता हूँ और सब कृषक मन लाते बहुत दूर दूर से कृषक मन ले जाते अपन देमार हेचरी है परखंदा हेचरी है और अपन सागरा हेचरी है ये सब यहाँ से सब ये वो थे वो तो बाहर जिला के भी अपन देमार हेचरी है सागरा हेचरी है परखंदा हेचरी यहाँ से पूरा बाहर बाहर के मत्स्य कृषक लोग सब बच्चा ले जाए वाला थे। हीरा लाल जी का मानना है कि मछली पालन का कार्य भी कृषि कार्य की तरह संजीदा रहकर किया जाने वाला काम है। खेती किसानी में जिस प्रकार खेतों की देखभाल करना जरूरी है ठीक उसी प्रकार मछली पालन के लिए भी तालाब या बायोफ्लॉक की देखरेख की जाए तो जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे जो ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास किसी तरीके की जमीन वगैरह उपलब्ध नहीं है तो वैसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों के लिए वो बड़े बड़े जो जलाशय हैं उन जलाशयों में केज फार्मिंग के माध्यम से केज कल्चर के माध्यम से वो शासकीय अनुदान का लाभ ले सकते हैं और केज फार्मिंग के माध्यम से अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। हमारे कुछ मछुआरे भाई ऐसे हैं जो मछली मारने का काम करते हैं और बेचने का काम करते हैं उसके लिए भी हमारे किसान भाई लोगों को शासन की तरफ से मोटरसाइकिल से है आइस बॉक्स उसमें मोटरसाइकिल का जो योजना है उसकी योजना लागत 75,000 रुपये है जिसमें से शासन की योजना अनुसार 40% और 60% अनुदान उनको प्राप्त हो सकता है। जो और ज़्यादा बड़े स्तर पर मछली मारने का काम कर सकते हैं तो वो थ्री व्हीलर सह आइस बॉक्स योजना का लाभ ले सकते हैं और बृहद स्तर पर काम करते हैं तो वो चार पहिया वाहन जो है उसको भी वो शासन की तरफ से ले सकते हैं। आज हीरा लाल जी के द्वारा एक तालाब में 15 क्विंटल के आसपास मछली का उत्पादन लिया जाता है। लगभग 4 से 5 तालाबों में कोरियारी क्षेत्र में प्रत्येक तालाबों से 15 से 16 क्विंटल मछली उत्पादन लिया जाता है। मछली बीज मछली प्रजनन में बेहतर ढंग से काम करने के लिए हीरा लाल जी को शासन की ओर से प्रोत्साहन भी मिलता रहता है। समिति के माध्यम से हमारे किसान भाई जो मछली पालन का कार्य करना चाहते हैं और वो लोग समिति बना के भी मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। समिति बनाने के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग की तरफ से कुछ मुख्य योजनाएं हैं जिनका लाभ लेके वो मछली पालन कर सकते हैं और मछली पालन विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उनमें प्रमुख योजना है त्रिवर्षीय समिति अनुदान। इस त्रिवर्षीय समिति अनुदान में शासन 3 वर्ष के लिए मछुआ सहकारी समिति को 3 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करती है। इसके पश्चात द्वितीय जो योजना है वो योजना है मत्स्य बीज संवर्धन हेतु स्पॉन संवर्धन योजना। इस स्पॉन संवर्धन योजना में जो इकाई लागत है वो 40,000 रुपये है। मछुआ पालन समिति जो है वो अपने तालाबों में 30,000 रुपये का शासकीय अनुदान प्राप्त होता है मछुआ सहकारी समितियों को। उसी प्रकार जो हमारे जो मछुआरे हैं छोटे मछुआरे हैं जो मछली मारने का काम करते हैं अलग अलग तालाबों में उनके लिए 10,000 रुपये का जाल भी शासन की तरफ से प्रदान किया जाता है मछली पालन विभाग की तरफ से। तो ये समिति बना के जो हमारे मछुआरे भाई मछली पालन करना चाहते हैं तो उनके बारे में ये कुछ मुख्य योजनाएं थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हीरा लाल साहू जैसे न जाने कितने मछली पालक और कृषक भाई बहन हैं जो नाना प्रकार की मछलियों का पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही नहीं अन्य राज्यों में भी मत्स्य आयात निर्यात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर मछली पालक कहला रहे हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन का
किसान भाइयों, अभी आपमन देखो कि कैसे मछली पालन के क्षेत्र में जुड़ के लाभ लेके आपमन खुशहाली के जीवन जी सकत हो, भरपूर आमदनी ले सकत हो। भाई हीरालाल साहू जी जैसे जो ना समिति बना के ये क्षेत्र में आ गया है और आज खुशहाली के जीवन जिए थे, आत्मनिर्भर किसान बने। आज के हमर अंक आपमन ला जरूर पसंद आए हुई, ये अंक के आपमन पूरा पूरा फायदा उठा हुई आशा विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुग्घर सुग्घर जानकारी लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवो विदा। जय जोहार।